नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पीड नेटवर्क पर। तो दोस्तों, आज की इस लेटेस्टिक वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आखिर EPS 95 पेंशनरों की पेंशन बढ़ोतरी प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा कर दी है या फिर नहीं। कल 26 जनवरी की काफ़ी लोगों को इंतजार था कि कल के दिन हमारी पेंशन बढ़ोतरी हो जाएगी, हमें पेंशन 7500 प्लस DA प्लस 9000 रुपये, जो जितनी पेंशन के हकदार है उतनी उनको पेंशन मिल जाएगी। काफ़ी लोगों को बेसब्री से इसका इंतजार था। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ था, क्या नहीं, किन किन को पेंशन मिली, किन किन को नहीं पेंशन मिली। और दोस्तों, पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आया है, क्या फैसला EPFO की तरफ से आया है, क्या फैसला सरकार हमें दे रही है कि आपको इतनी पेंशन मिलेगी, क्या ऑप्शन आया है, क्या नहीं, ये जानकारी पूरी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये हमारा और आपका सभी का है ये चैनल, क्योंकि आपके होने के बिना ये असंभव है कि इतने लाखों की संख्या में जुड़ चुके। साथ ही में दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि EPS 95 पेंशनरों के लिए एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल स्पीड नेटवर्क है, जहाँ पर आपको बिना कुछ निसंदेह, बिना कुछ अफवाह दिए और साफ और सुथरी फेस टू फेस और क्वालिटी मंद वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्पीड नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर मिल सकता है। बाकी अदर चैनल पर आपको वीडियो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों, जो बंदा फेस टू फेस वीडियो देता है वो बंदा हमेशा सही अपडेट देता है, ये गारंटी है। ठीक है दोस्तों, बिना टाइम बर्बाद किए हम हमारा ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि दोस्तों टाइम आपके पास भी कम है, मेरे पास भी कम है। और कल वाले वीडियो ने आपने बहुत अच्छा प्यार दिया, उसी प्रकार इस वीडियो को भी प्यार दें, सपोर्ट करें, हम आपके हमेशा साथ रहेंगे। EPS 95 पेंशनरों के हम हमेशा साथ रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम बर्बाद किए वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कल था इंतज़ार, काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर क्या कल हमें पेंशन मिल जाएगी, क्या क्या हमारी पेंशन बढ़ोतरी हो जाएगी, क्या हमारी पेंशन बढ़ोतरी हो जाएगी। बहुत सारे लोगों का ये इंतज़ार था। सही है दोस्तों, इंतज़ार था, इंतज़ार रखना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों, काफ़ी लोग ऐसे भी कमेंट कर रहे थे कि सर हमें 9000 रुपये मिलेगी कि या फिर 15000 रुपये मिलेगी, या फिर हमें 7500 DA मिलने वाली है, क्या मिलने वाली है, क्या नहीं। और काफ़ी लोगों के ऐसे कमेंट आ रहे थे कि क्या कल सर सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला है नहीं, तो पेंशन बढ़ोतरी किस प्रकार होगी, ये जानकारी हमें रिविज़न करके दोबारा दीजिए। तो मैं आपके काफ़ी सारे लोगों के कमेंट देखे और पढ़े भी थे मैंने, हर कमेंट आता है तो उसको मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि कमेंट का ही नोटिफिकेशन मेरे ऑन रहता है, बाकी नोटिफिकेशन मैं व्हाट्सएप का भी नोटिफिकेशन ऑन रहने नहीं रखता हूँ, व्हाट्सएप फेसबुक सब चीज़ का बंद रखता हूँ, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब का नोटिफिकेशन जो कमेंट करते हैं कमेंट का नोटिफिकेशन रखता हूँ, सारे के सारे कमेंट शो होते हैं मेरे स्क्रीन पर, तो मैं उनको देख लेता हूँ और वो एक साथ सारे के सारे दिमाग में आ जाते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, कल परसों बताया था, 4 दिन पहले की बात है कि जब कमांडर सोगजी रावत ने, 4 दिन पहले की बात बताता हूँ, एक मिनट रुको, क्योंकि कमांडर सोगजी रावत ने कई सारे लेटर सौंपे थे, कई सारे पत्र पोस्ट स्पीड पोस्ट करवाए थे कि आप प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि हम 2 बार तो आपसे मिल चुके हैं हेमा मालिनी जी के नेतृत्व में, और अब फिर भी हमारी मांगें पूरी नहीं हुई है, हमारा आंदोलन भी कई दिनों से चल रहा है, फिर भी हमें कुछ भी फायदा नहीं मिला है। जितने लोगों को पेंशन मिल रही है उतनी ही पेंशन मिल रही है, जिन लोगों को पेंशन 500 रुपये मिल रही है तो 500 मिल रही है, जिन लोगों को 5000 मिल रही है तो उनको 5000 ही मिल रही है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको 40 लाख लोग ऐसे हैं जिनको 5000 रुपये से कम पेंशन मिल रही है, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको 200, 400, 500 ही पेंशन मिल रही है। ये सभी लेटर के अंदर लिख करके प्रधानमंत्री जी को भेजे गए थे। प्रधानमंत्री जी के किसी पीओ का मैसेज आया छोटा सा कि उनके साथ में जितने भी लोग हैं उनका मैसेज आया छोटा सा कि इनकी पेंशन बढ़ोतरी होनी चाहिए, चाहे इनके जितने भी रुपए के हकदार हैं, जितने इनको इनका जितना पैसा मिलना चाहिए उतना मिलना चाहिए, क्योंकि इनका हक है वो तो। ठीक है, क्योंकि पेंशन का हक है कि EPS 95 पेंशनरों को कुछ पेंशन हो, 2000 पेंशन मिले, जिन्होंने कम ड्यूटी किए उनको 2000, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको पेंशन 9000 रुपये तक मिलेगी। तो ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि
इन सभी पेंशनरों को पेंशन मिलनी चाहिए। और फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने छोटा सा एक मैसेज और जारी किया, और जारी किया तो उस मैसेज के अंदर यह था कि 26 जनवरी के दिन इस पर चर्चा करेंगे और बड़ी घोषणा हम करने वाले। उसी के अंदर एक मोड़ और आ जाता है बीच में। मोड़ क्या आता है कि दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ईपीएफओ को पूछता है कि ये भी पेंशनरों की गणना की जाए कि कितने पेंशनर है जो 9,000 रुपये पेंशन लेने के लायक है, कितने पेंशनर ऐसे हैं जिसको 75+ डीए देना चाहिए, कितने पेंशनर ऐसे हैं जिनको 5,000 रुपये से कम देना चाहिए। तो ईपीएफओ ने अपना काम कर दिया, ईपीएफओ अपनी लिस्ट बना करके दे दी, और वो भी खुलेआम दे दी कि हम इतने ही पेंशन दे पाएंगे। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, हमारे चैनल में पड़े हुए हैं, साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि 4 पार्ट के अंदर पेंशन आपको मिलेगी। तो ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट को वापस ऐसा जवाब दे दिया, ठीक है। तो उस जवाब देने के बाद में सुप्रीम कोर्ट के 3 जज हो गए, जो इस पेंशन योजना के केस को हैंडल करने के लिए 3 3 जज हो गए। तो अब 3 3 जज है वो EPS 95 पेंशनरों की जो इस योजना है इसको 3 3 जज हैंडल करेंगे। तो पूरा का पूरा कवर आपसी जान होना ज़रूरी है कि इन पेंशनरों को इतनी पेंशन मिलेगी या फिर इनको इतनी दें, इनको इतनी दें, ये करना ज़रूरी। इसके बाद में क्या होता है कि सिर्फ सिर्फ जज ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको इतनी पेंशन दे दी जाएगी, उसके लिए एक सीबीटी मीटिंग बैठाई जाएगी। और सीबीटी मीटिंग की कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने भी कल कहा था कि एक मीटिंग करेंगे, और मीटिंग करने के बाद में इस पर डिसीजन लिया जाएगा, और वही डिसीजन आखिरी होगा, फाइनल वही डिसीजन होगा जो लिया जाएगा। तो दोस्तों, आशा है और खुशखबरी हमें यह है कि अगर प्रधानमंत्री जी छोटी सी मीटिंग करवा रहे हैं, सीबीटी की मीटिंग करवा रहे हैं, तो आशा करते हैं कि ये आने वाली 15 तारीख से पहले पहले हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने और सभी लोगों ने तैयारी कर ली, कमांडर सोंगजी रावत के नेतृत्व में तैयारी कर ली है कि अब सीबीटी के जितने भी सदस्य हैं और प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, एमपी, सीएम जो भी हैं, विधायक, सारों के घर के सामने हम भूख हड़ताल करने वाले हैं। भूख हड़ताल करने से पहले पहले ही ये सारे सोचते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने खुद ने सोच लिया और बता दिया और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया कि एक सीबीटी मीटिंग करेंगे। वो सीबीटी मीटिंग कब होने वाली है वो मैं आपको बता दूंगा। और दोस्तों, जानकारी बारीकी से मैं एक एक पल पल की जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। हमारे वीडियो आपके लिए बहुत ही कामदायक है, आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो लेकर के आते हैं और सही सही जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर एक 24 घंटे के अंदर एक वीडियो आता है, मतलब हम जिस दिन अपडेट होती है उसी दिन अपडेट लेकर के आते हैं। बाकी दोस्तों, आपका प्यार और सपोर्ट यूँ ही बना रहे, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।